हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानकारी जॉब के यूट्यूब चैनल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो कि रहेगी दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे अवेलेबल है। तो टोटल नंबर है यहाँ पे 4,187। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। और जो कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स है, या फिर SC या ST कैटेगरी के अंडर है, या फिर एक सर्विसमैन कैंडिडेट से, उनके लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो जिनको फीस एप्लीकेबल है, उनके लिए आपका पेमेंट, जो पेमेंट का मोड रहेगा, वो ऑनलाइन रहेगा। तो इसके लिए आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई भी ऑप्शन या कोई भी विकल्प आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। अगर बात करें डेट डेट्स की, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 4 मार्च 2024 से। इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 मार्च 2024। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 28 मार्च 2024 रात 11 बजे तक आपको सबमिट करना है, और ऑनलाइन फीस का जो पेमेंट करना है आपको, वो भी 29 तारीख रात 11 बजे तक ही करना है। अगर आपके कुछ फॉर्म में चेंजेस या फिर करेक्शंस करने हैं, तो उसके लिए 30 तारीख और 31 तारीख के 2 दिन में आप करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी सलाह यही रहेगी कि 29 मार्च 2024 तक ही आप अपना एप्लीकेशन रात 11 बजे तक सबमिट करें, और वो भी गलती ना करें उसमें। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान से भरें, और इसकी जो एग्ज़ाम रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो वो रहेगी मंथ ऑफ मई। तो मई मंथ में यहाँ पे टेंटेटिवली एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। एज लिमिट क्या है? तो कम से कम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। यानी कि 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन रहेगा, वो एज पर द रूल्स रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो जिसके पास कोई भी डिग्री है, कोई भी ग्रेजुएशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिजिकल टेस्ट या फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो क्या स्टैंडर्ड्स हैं? तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये सीरियल नंबर 1, 2, 3 जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हिली एरियाज से हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। चेस्ट अनएक्सपांडेड यानी कि बिना फुला के 80 सेंटीमीटर, फुला के 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो ST कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 162.5 हाइट होनी चाहिए, 77 और 82 चेस्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए 170 हाइट और चेस्ट 80-85। जो हिली एरियाज से फीमेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए 155 हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और ST कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। और इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 157 कम से कम हाइट होनी चाहिए। वेट जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए हाइट के हिसाब से होना चाहिए।
फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा, तो 100 मीटर रनिंग, 1.6 किलोमीटर रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे टाइम भी दिया हुआ है या फिर नंबर ऑफ चांस भी दिया है। इसके लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए डिस्टेंस रहेगा, हाइट रहेगी। तो आगे है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर, 800 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप हाई जंप रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल एग्जाम रहेगा, और आई साइट यानी कि आपकी आंखें भी वहाँ पे चेक की जाएगी। वैकेंसी डिटेल्स, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, मेल कैंडिडेट्स होंगे। ओके, मेल कैंडिडेट्स, तो 125 पोस्ट यहाँ पे है, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 61 पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो यहाँ पे 4001 सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज है। अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो फर्स्ट लिंक रेफर करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रेफर कर सकते हैं सेकेंड लिंक में, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।